कुछ करने का हौसला होना चाहिए। रास्ते तो अपने आप बन जाते हैं। हर एक के जीवन में किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। हर व्यक्ति को वो सब नहीं मिलता जो वो चाहता है, और कई लोग इसी कमी को पूरा करने की जगह बहाने मारने लगते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी किस्मत खराब है, मैं अच्छा नहीं दिखता। अरे क्यों इन झूठे बहानों के सहारे जीते हो? करना है तो अपने दम पर कुछ करो। आज एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्या इनसे ज़्यादा आपकी किस्मत खराब है? निकोलस व्यूजिसिक, यह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुआ था। इनके जन्म से ही फोकोमेलिया बीमारी के कारण इनके हाथ पैर नहीं है। बचपन से बिना हाथ और पैर के जीना इनके लिए काफी चुनौतियों से भरा सफर था, लेकिन इस सब के बाद भी इनके माता पिता इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका बेटा हर चीज को आम बच्चों की तरह सीख सके, इसलिए उन्होंने इन्हें किसी स्पेशल स्कूल में भेजने की जगह सामान्य स्कूल में ही भेजा। 6 साल की उम्र में ही अपने पंजे की मदद से टाइपिंग करना सीखने लगे। इनके लिए एक ऐसा पेन डिजाइन किया गया जिससे ये लिख भी सकते थे। अपने माता पिता के कहे अनुसार ये सब कुछ सीख तो रहे थे, लेकिन इन्हें अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ सहना पड़ता था। समान स्कूल के बच्चे इन्हें रोज चिढ़ाया करते थे। इनसे रोज कहते थे कि तेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग भी इनसे तरह तरह की बातें कहा करते थे। एक तो रोज हाथ और पैर ना होने के कारण इन्हें कई चुनौतियों को सामना करना पड़ता था, ऊपर से ये कर भी बातें। इसी से तंग आकर इन्होंने 10 साल की उम्र में एक पानी के टब में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर इनके माता पिता ने इन्हें बचा लिया। बच जाने के बाद इन्होंने अपने माता पिता से कहा, आप लोगों ने मुझे क्यों बचा लिया? मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यह सब सुनकर इनके पिता ने इनसे कहा कि जीवन का उद्देश्य ढूंढा नहीं, खुद अपनी मेहनत से बनाया जाता है। 10 लोग चलेंगे तो उन पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब तुम चलोगे तो तुम्हारे संघर्ष को देखकर दुनिया चौंकेगी। ईश्वर ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। पिता की इस बात को सुनने के बाद इन्होंने बिना स्केटबोर्ड की सहायता से खुद चलना सीखा। इन्होंने क्वींसलैंड में उपस्थित ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से अकाउंट और फाइनेंशियल में बैचलर डिग्री हासिल की है। पिता की उस बात के बाद से ये कई लोगों को अपने प्रेरणादायक विचारों से प्रेरित करने लगे, जिससे लोगों को नई दिशा मिलती थी। 2008 में इन्होंने टीवी शो 2020 के लिए इंटरव्यू दिया, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। 2009 में द बटरफ्लाई सर्कस शॉर्ट फिल्म में इन्होंने काम किया। 2010 में इन्होंने लाइफ विदाउट लिमिट्स के नाम से एक इंस्पायर बुक भी पब्लिश की। आज ये ऑस्ट्रेलिया के एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही साथ एक बुक राइटर और अच्छे पेंटर भी हैं, और काफ़ी अच्छी स्विमिंग भी कर लेते हैं। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। अहमियत ये नहीं कि उसने शुरुआत कहाँ से करी है, अहमियत उसका हौसला रखता है। जाते जाते बस एक बात और आपसे करनी थी। हमने अपनी इंस्पायर मी फैमिली के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है, जहाँ पर आपको डेली मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेशनल कोट्स मिला करेंगे, और कुछ बातें भी आपसे इंस्टाग्राम पर हो जाया करेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ, जल्दी मिलते हैं।